नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होगा वो हिंदी का जो दूसरा प्रैक्टिस सेट, यानी कि पहला मैंने प्रैक्टिस सेट डाला, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट, ये चुनिंदे प्रश्न है, ये प्रश्न संभावित है। अभी इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस अगली प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट करूंगा तो हर लेसन से संबंधित होगा, यानी जैसे कि वर्णमाला को हम कई प्रश्न कराएंगे, फिर उसके बाद अगले शब्द से जितने भी टॉपिक आएंगे हिंदी के अंतर्गत उनके एक एक टॉपिक के संबंधित मैं चुनिंदे प्रश्न लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यूपीटेट का एग्जाम टल गया है, तो उसके बाद उस यूपीटेट 28 तारीख या 26 तारीख को जो दिसंबर में होगा यूपीटेट, उसके लिए हम तैयार रहें, ठीक, अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए दोस्त, आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कैसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए दोस्त, सीधे हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो इसमें अभी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कि रमणी में कौन सा प्रत्यय है। तो रमणी में प्रत्यय पूछ रहा है, तो रमणी में प्रत्यय जो है अन्यर प्रत्यय के अंतर्गत आता है ये वाला रमणी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका भी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, अच्छा इसका मैंने सी बताया पहला का ना, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि देखिए इसमें पूछ रहा है कि रस आपको बताना है। पहला प्रश्न कर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बोरव सबे रघुबर कुठार की धार में बारन बजी सत्यर्थ ही बाण की वायु उड़ान है कै लक्षण लक्ष करो अरिहा समर्थ यथी यथही है, ठीक। तो इसमें आपको रस बताना है। तो देखिए ये बोरो सबे रघु वंश कुठार की धार में वारन बजी सरंथ ही। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें गुस्से में कोई बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा रौद्र रस रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। बजी सत्यथी से देखिए रघुवंशम कुठार की धार, धार जो तलवार की धार है, तो उसमें रौद्र में कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा तीसरा का। ऐसे ही है, जब रस पूछे तो आप पकड़िएगा किसी भी प्रश्न में, इसी तरह आप पकड़िएगा। चरा चरम जगह में कौन सा समास है। चरा चरम इसका अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो चर और अचर हो जाता है, तो इसमें कौन आ जाएगा, द्वंद समास, चर और अचर, तो द्वंद की भावना हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ कह रहा है कि शब्दार्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्दार्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब देखिए यहाँ से आठवां प्रश्न है, कुछ प्रश्न छूटा हुआ है, तो ऐसे आप मत घबराइएगा, जो प्रश्न इसमें छूट गया है ना उस प्रश्न, देखिए सातवां के बाद ये दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न आ गया, तो इसमें से जो चार प्रश्न थे वो जो उत्तर थे गद्यांश थे, तो इसलिए उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, काफी वो लंबा हो जाते इसीलिए उनको इंक्लूड नहीं किया। तो आठवें प्रश्न पर चलते हैं और पूछ रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो वाक्य का प्रयोग जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा, इसका शब्द का अगर अर्थ स्पष्ट कराना है तो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नौ। प्रश्न नंबर नौ कह रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इसमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो वह है अभिक्रमिक अनुदेशन, जो है भाषा शिक्षण की पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। किंडरगार्टन भी आता है, मांटे मंटेसरी और डायरेक्टकाली विधि भी आता है, लेकिन जो ये वाला है अभिक्रमिक अनुदेशन जो की पद्धति, वो भाषा शिक्षण की पद्धति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है, ये किसका मानना है। तो जो बालक की प्राथमिक भाषा जो है मातृभाषा में दी जाएगी, ये किसने माना है, तो महात्मा गांधी जी ने माना है, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न, 10वां का बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी नहीं, तो कक्षाभिनव विधि जो है उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर
बारह प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इस पत्रिका के प्रकाशन की बात करें तो ये मिर्जापुर से होता था। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13, आदिकाल की रचना है, इसमें से आपको आदिकाल की रचना खोजनी है। तो आदिकाल की रचना जो कौन है, खुमान राशो है, जो आदिकाल के अंतर्गत आती है ये रचना। और इसकी रचयिता कौन है, तो दलपति विजय जो है इसके रचयिता है खुमान राशो के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो पाठ्य योजना में कौन सा उद्देश्य कथन आता है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में। तो ये दो विकल्प आपके सामने हैं, पूर्व ज्ञान के पश्चात, बी वाला प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, और आदर्श वाचन के पश्चात और मन वाचन के पूर्व। तो देखिए, अगर हम बात करें हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन जो है आता है, तो वो कब आता है, तो जो उद्देश्य कथन है वो आता है प्रस्तावना के पश्चात। जब आप प्रस्तावना बना लेते हैं उसके बाद ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 14 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो है चिंतामणि। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो उर्वशी के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो इनको 1972 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 16 का, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार चार महत्वपूर्ण है जिसको कि आप याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो। पहला चीज क्या है कि देखिए चिउकिया, अब देखिए चिउकिया तो चितंबरा, उर्वशी कितनी नावों में कितनी बार, और यामा, तो चितंबरा जो है वह सुमित्रानंद पंत को दिया गया था, और ये जो है 1968 में दिया गया था, ये जो पुरस्कार 1968 में दिया गया था चिउकिया। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कलम का, अब देखिए ये वाला कलर, ठीक है। तो 1968 में चिउकिया के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। उसके बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था, ये प्रश्न जो है उर्वशी के लिए दिया गया था 1972 में। और उसके बाद एक है 1978 में, तो जो कितनी नावों में कितनी बार है, कितनी नावों में, वो अज्ञेय जी को दिया गया था, अज्ञेय जी को दिया गया था, और ये दिया गया था 1978 में, याद रखिएगा 1978 में। उसके बाद जो यामा है महादेवी वर्मा को दिया गया था, और वो दिया गया था 1982 में, महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 17, निरामिस किसे कहते हैं, निरामिस किसे कहते हैं। तो निरामिस हम उसे कहते हैं जो मांस रहित भोजन करते हैं, मांस रहित भोजन करते हैं उनको निरामिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18, शहद शब्द है, शहद क्या है। तो शहद आपको तत्सम बताना है, तद्भव बताना है, देशद आगत शब्द। तो शहद जो शब्द कैसा शब्द है, तो शहद जो शब्द है आगत शब्द है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 18 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19, वानिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, वानिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो वानिता का प्रयोग जो है स्त्री के अर्थ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 19 का। 20वां प्रश्न कह रहा है कि मुकुंद किसका पर्याय है, मुकुंद किसका पर्याय है। तो मुकुंद जो है विष्णु जी को मुकुंद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21, काफी मोस्ट पंक्ति है, काहे री ललनी तू कुमिलनी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस कम पंक्ति काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, और इस कम पंक्ति के रचनाकार कबीर दास हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा किसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 प्रश्न कर रहा है कि कर्पट का तद्भव रूप होगा। तो कर्पट को हम क्या कहते हैं, तद्भव में यानी कि संस्कृत के रूप है, तत्सम के रूप है, और इसको हम तद्भव में क्या कहेंगे, तो कपड़ा को करपट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है
कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, शुद्ध शब्द युग्म आपको छाटना है। तो शुद्ध जो शब्द युग्म है वो है बारात और बसंत, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 23 का, और बाकी तीनों जो है थोड़ा थोड़ा अंतर से गलत हैं, तो आप उन चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 23 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24, अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो वो ये अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, सबको पता है, 24 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो वो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना जो है, वही चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 25 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्न से कौन सा मात्रिक शब्द है, मात्रिक शब्द इसमें से कौन सा है, तो मात्रिक शब्द कौन सा है, सी वाला विकल्प शीतल, इसमें मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब बाकी तीनों मात्रिक शब्द नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27, और बुद्धिहीन शब्द का पर्याय व्याकरण की दृष्टि से किस स्वर वर्ग में है, बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन जो व्याकरण की दृष्टि से किस स्वर वर्ग में आता है, तो आप चीज को याद रखना कि किसके वर्ग में आएगा बुद्धिहीन, तो विशेषण के अंतर्गत आता है बुद्धिहीन, मतलब उसकी विशेषता ये बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि ड तथा ढ वर्ण है, तो ड और ढ वर्ण को हम क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29 का है कि महोर्मी का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उर्मी होता है, इसका संधि विच्छेद था, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 29 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, समष्टि का विप्रार्थी शब्द होता है, समष्टि का विप्रार्थी शब्द अगर पूछे तो समष्टि का जो है व्यष्टि होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये विप्रार्थी शब्द है। तो ये थे हमारे 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए यूपी टेट के हिंदी के संबंधित, तो अब हमारी जो अगली वीडियो हिंदी से संबंधित आएगी वो हर टॉपिक से मैं प्रश्न को एकत्रित कर लाऊंगा, तो उन वीडियो को भी देखिए, इन वीडियो को भी देखिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।